की फैसला आएगा तो इस विचाले पंचायती चोणां दे नाल जुड़ी हुई यह वड्डी खबर है। पंचायती चोणां ते सरकार नूं वड्डी राहत मिली है। 700 पटीशनां हाई कोर्ट के वल्लों रद्द कर दित्तियां गईआं ने। सो पंचायती चोणां दा राह बिल्कुल पद्धरा हो गया क्योंकि कल पंचायती चोणां नूं लैके वोटिंग होण जा रही है। कल नतीजां दा ऐलान कर दिता जाएगा तो इस विचाले पंचायती चोणां ते सरकार नूं वड्डी राहत मिली है। हाई कोर्ट के वल्लों वड्डी राहत मिली है क्योंकि वख-वख कुल 700 पटीशनां जो कि हाई कोर्ट के पाईआं गईआं सन तो सारियां पटीशनां रद्द कर दित्तियां गईआं सन। इस तो पहलां जिहड़ियां कि कई पिंडां दे विच पंचायती चोणां ते रोक लगाई गई सी, ओह रोक भी हटा दित्ती गई है। इह वी अपने आप दे विच बहुत वड्डी राहत है क्योंकि 200 तों वध पिंडां दे विच पिछले दिनां दे दौरान जिहड़ी कि पंचायती चोणां ते रोक लगा दित्ती गई सी, उस रोक नूं भी हटा दित्ता गया है। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया है पंचायती चोणां दा राह पद्धरा हो गया, राह साफ हो चुका है। कल तय समय के मुताबिक यानी कि 15 तरीक न 15 अक्टूबर को कल वोटिंग होगी। कल पंजाब के वोटर अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर सकेंगे तो कल शाम को जिहड़ा कि नतीजों का भी ऐलान कर दिया जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट में जो कि लगातार सवेर तो ही सुनवाई चल रही थी, सारे दिया नजर टिकिया हुई सन कि आखिरकार की होगा, किस तरीके का हाई कोर्ट का फैसला आएगा। तो उन्होंने वोटर के नाल जुड़ी हुई भी वड्डी खबर है। तो जिहड़े उम्मीदवार पंचायती चोणां नूं लैके चोण मैदान दे विच ने उन्हां वास्ते भी बहुत वड्डी खबर है कि किसे तरीके की हुण कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, बिल्कुल राह पद्धरा हो गया है। पंजाब के वोटर पिंडां दे वोटर बिना किसी डर के बिना किसी खौफ के पोलिंग बूथां ते जाके अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पंचायती चोणां ते सरकार नूं इह वड्डी राहत मिली है। पंचायती चोणां दा राह बिल्कुल पद्धरा हो चुका है क्योंकि हाई कोर्ट दे विच पाईआं होईआं 700 पटीशनां रद्द कर दित्तियां गईआं ने। पंचायती चोणां दा राह बिल्कुल पद्धरा कर दिता गया हाई कोर्ट के वल्लों। इसे खबर से होर ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़े हुए ने। उमेश, हाई कोर्ट का वड्डा फैसला, सरकार नूं वड्डी राहत, राह बिल्कुल चोणां दा पद्धरा हो गया, की कोई जानकारी? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो एक बहुत वड्डी राहत है। पंचायत चोणां दा रस्ता साफ हो चुका है। कुछ मिनट पहला ही पटीशनां और 700 तो ज्यादा जे गल करिए करीब 1000 के करीब पटीशनां सीगियां जिहड़ी खारिज हुई क्योंकि जिहड़ी कुछ दिन पहला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ही 250 के करीब जिहड़ी पंचायतों के चोण से रोक लाई सीगी, वह भी कोर्ट ने उन्होंने उस आदेश तो भी रोक लाई है। किते ना किते उत्थे भी राहत है, यानी कि 1000 तो ज्यादा पटीशनां सीगियां रद्द करती गई, खारिज करती गई और चोण पंचायती चोणों का रास्ता जिहड़ा है वह साफ हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। उमेश, ये भी साफ करो जो पिछले दिनों के दौरान कुछ पिंडों के पंचायती चोण से रोक लगाई गई सी, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है कि वो भी जिहड़ा कि फैसला बिल्कुल जिहड़ी रोक सी हटा दी गई है। देखो जिहड़ा मामला हाई कोर्ट भी सी, इसी करके मैं जिक्र किया कि जिहड़े कुछ दिन पहला भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जस्टिस संदीप मोदगिल और जस्टिस गुप्ता की कोर्ट की रोक सी वो भी हटा दी गई है। प्लस जिहड़ी 700 तो ज्यादा पटीशनां अज सुनवाई लई आई सीगियां टोटल पिछले दिन ही इकट्ठी हुई सीगियां, कुल मिला के यही है कि 1000 तो ज्यादा पटीशनां हो गई सीगियां, इस सारी खारिज कर दी गई ने सिरे तो और पंचायती चोणां का रस्ता साफ कर दिता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। लेकिन एक गल इतने भी जिक्र एक होर है कि पटीशनां का भी एक वक् वक् सी, यानी कि कोई सी रिजर्वेशन वाली कोई सी वार्डबंदी की वह तो पहले ही खारिज हो चुकी क्योंकि वह भी 25 या 10 पटीशनां सीगियां वह पहला भी खारिज की, अब भी कुछ खारिज किया। लेकिन मोटे तौर पर रिजैक्शन को लेकर जी सियां कि कई सिंबल नहीं मिले थे या कई नॉमीनेशन जी दिक्कत सी रिजैक्शन की सियां उसनों लैके जी मोटे तौर पर करीब 1000 पटीशनां इकट्ठी हो गई थी, 700 वाद सी और बाकी पुरानी इकट्ठियां सीगियां वो अज रिजैक्ट हो गई ने। यह साफ मतलब यह है कि हुण कल पंचायती चोणां दा रस्ता साफ है और पहली जिहड़ी रोक है फिर तो क्लीयर कर दिए दर्शकों नूं, जिहड़ी कुछ दिन पहला ऐसे हाई कोर्ट ने 250 के करीब रोक लाई सी उस नूं भी कोर्ट ने उस ऑर्डर से भी रोक ला के वो पटीशनां भी खारिज करते हैं। उमेश, यानी कि जिन्नियां भी पंचायती चोणां दे नाल जुड़ियां पटीशनां हाई कोर्ट के पिछले समय दौरान दाखिल की गई चाहे पहला 200 पटीशनां होण चाहे हुण दीआं पटीशनां होण वो सारियां रद्द हो गईआं ने। जी बिल्कुल, लेकिन वो कैटागरी की मैं गल इसी करके की है कि कुछ पटीशनां जिहड़ियां सीगियां वो पटीशनां वख-वख ग्राउंड होंदे पटीशनां दे भी पटीशनां दे वख-वख ग्राउंड होंदे आ, लेकिन मोटे तौर ते जिहड़ी पटीशनां खारिज है वो यही सीगा कि रिजैक्शन का मसला सीगा कि किसी की रिजैक्शन का कुछ ग्राउंड सी किसी की नॉमीनेशन का कुछ ग्राउंड सी, क्योंकि मोटे तौर पर जो 700-800 पटीशनां 1000 इकट्ठी हो जाणियां तां कितना कितने एक बड़े लंबे एक बड़े लैवल से पंचायती चोणां विच एक मुश्किलां सीगियां। लेकिन हुणे जिहड़ी पटीशनां खारिज हुई है वह बिल्कुल है कि हाई कोर्ट में जिहड़ी पटीशन इस तो आई इस तो रिलेटिड नॉमीनेशन तो रिलेटिड या होर भी चीज़ां ने वो खारिज हो चुकी है। जे आपां मोटे तौर पर कहीए पंचायती चोणां का रस्ता साफ हो चुका है। उमेश, ये कई भी साफ करो जो जो पिछले दिनी चोण कमीशन के वलों गिदड़बाह ब्लॉक के 20 पिंडां दे विच पंचायती चोणां ते जो कि रोक लगाई गई, हालांकि चोण कमीशन ने फैसला लिया उसनों लैके की स्टेटस है,
कि वह भी मामला किसी न किसी तरीके दे नाल की हाई कोर्ट के पहुंचा जो उसनों लैके कोई चैलेंज किया गया उसनों लैके ताज़ा जानकारी। देखो वो मामला सीगा इलेक्शन कमीशन का, उस हाई कोर्ट का कोई क्योंकि पटिशनर नहीं थी कि ना उस मामले में कोई चैलेंज किया गया सीगा। गिद्दड़वाह के मामले में लैके अलग वखरा सीगा क्योंकि जिहड़ी हाई कोर्ट में बार बार असी बहुत क्लीयर कर दिए कैटागोरिकली कि जिहड़ा हाई कोर्ट में पटिशन आई है वो खारिज करते गए वड्डी राहत है पंजाब सरकार नूं। और पंजाब के एडवोकेट जनरल अज पेश होए सीगे, उन्होंने शुरू तो लैके सवेर तो लैके हुण जे आपां 4 बजे की गल करिए कोर्ट में जिरह की अपने पॉइंट्स रेज किए और जिहड़ी प्रीपोन वाली सीगी मैं मेरे नाल खड़े ने मैं कहांगा कि सब तो पहले न्यूज़ 18 दे एडवोकेट जनरल ने पंजाब दे गुरमिंदर जी उन्होंने तुसी सवाल पूछ सकते हो। गुरमिंदर जी हेलो जी सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सर न्यूज़ 18 पंजाब ते। सर विस्तार दे नाल जानना चाहांगे ये वड्डी राहत जो सरकार नूं मिली है जो सारिया पटिशनां रद्द कीतियां गईयां ने। ये तो देखो राहत सरकार नूं नहीं एक पंजाब दी पब्लिक नूं राहत है, पंजाब दे जिहड़े चाहवान सी सरपंच ते पंची दे उन्हां नूं राहत है। ते इलेक्शन जिहड़े 15 तरीक नूं होने सन उहदे आसपास काफ़ी बदल मंडरा रहे सन लेकिन हुण कोर्ट ने सारा कुछ क्लीयर करता है ते उन्होंने कहा है कि सारिया रिट पटिशनां जिहड़ियां चैलेंज कर रही सन इलैक्टोरल प्रोसैस उन्होंने डिसमिस किया जाता है ते जिहड़ी स्टेआ ने बाकी पटिशनां दे विच उह वी वकेट करके रिटां डिसमिस कीतियां जांदियां। सर मतलब पंचायती चोणां दे नूं लैके जो भी पिछले समय दौरान चाहे पहला 200 पटिशन सी जां उस तों बाद जिहड़ियां पटिशनां पाईआं गईआं की हुण पंचायती चोण नूं लैके हाई कोर्ट दे विच कोई भी पटिशन पेंडिंग नहीं है? ये सानूं नहीं पता कि और इक अद्धी पटिशन कोई रह गई होए तां नहीं, पर जिहड़ियां पटिशनां छुट्टियां दे विच पईआं सन वो सारियां प्रीपोनमेंट दीआं एप्लीकेशनां पा के कोर्ट ने प्रीपोन करतीआं सी ते जिहड़ियां परसों ते अज लगीआं सन पटिशनां वो भी उन्होंने इकट्ठे एक ऑर्डर नाल डिसाइड करता है। सर ये भी जरूर जानकारी दो जो पिछले दिन हाई कोर्ट के 206 पिंडां दे विच पंचायती चोण ते रोक लगाई गई सी कि वो रोक हट गई है कल उन्हां 206 पिंडां दे विच वोटां पैणगियां लोक वोटां पा सकणगे? उन्हां 206 पिंडां दे विच भी जिवें इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होया है उसी हिसाब नाल कैंडीडेट्स दे लई जिहड़ी पब्लिक है वो वोटां पाएगी सवेरे। सर हालांकि पिछले दिन चोण कमीशन के वल्लों फैसला लिया गया जो गिद्दड़वाह ब्लॉक के भी पिंडां दे विच पंचायती चोणां ते रोक लगाई गई है कि उसनों लैके कोई अपडेट है जो उसनों भी किसी के वल्लों कोई हाई कोर्ट चैलेंज किया गया नहीं है? ऑर्डर वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया होगा तो वो पब्लिक डोमेन में ऑर्डर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सर मतलब साफ कहा जा सकता है कि गिद्दड़वाह के 20 पिंडों को अलग करके बाकी सारे जिन्हें भी पिंड ने वो तय समय के मुताबिक वोटा पैणगी? मैं पत्रकार साहब उसकी कोई नॉलेज नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं सर मैं उही कह रहा कि उस तो अलावा बाकी सारे पिंडों के तय समय के मुताबिक वोटा पैणगियां किसी तरीके की कोई भी अड़चन नहीं है? जी हाँ सारे पिंडां च वोटां कल सवेरे तो पैणगियां। हाँ जी ठीक है सर तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न वास्ते। सो पंजाब दे एजी गुरमिंदर सिंह जुड़े उन्होंने खुद न्यूज़ 18 पंजाब ते वड्डी जानकारी सांझी कीती है यानी कि राह बिल्कुल साफ हो जाए वो हो चुका है जो कि पिछले दिन ही 206 पिंडां दे विच रोक लगाई गई सी उस रोक नूं भी हटा दिता गया उन्हां पिंडां दे विच भी तय समय के मुताबिक कल नूं वोटां पैणगियां किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। तो उस तों इलावा जिन्नियां भी पटिशनां सन हाई कोर्ट दे विच कुल 700 जो कि पटिशनां पाईआं गईआं सन पिछले समय दौरान पंचायती चोणां दे नाल जुड़ियां होईआं किसी दे विच नामजदगी नूं लैके जो नामजदगियां रद्द होईआं उस नूं लैके इतराज़ जताया गया कई तरीके के इतराज़ सन उन्हां पटिशनां दे विच उह सारीआं पटिशनां हाई कोर्ट दे वल्लों रद्द कर दित्तियां गईआं ने। पंजाब की जनता नूं कहा जा सकता है पंजाब सरकार नूं कहा जा सकता है कि एक वड्डी राहत है क्योंकि जदों तों मामला हाई कोर्ट के चल रहा है तो किसी ना किसी तरीके दे नाल जरूर यह सस्पेंस भी बने हुआ सीगा आखिरकार 15 तरीक नूं किस तरीके की स्थिति बनेगी पर हुण राह बिल्कुल पद्धरा हो चुका है स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि तय समय के मुताबिक कल नूं पंजाब दे वोटर पिंडां दे वोटर पोलिंग बूथां ते जाके अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकन कर सकेंगे। सीधा रुख करते हैं न्यूज़ रूम का साडे सहयोगी गौरव शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव ये वड्डी रात है सारिया दियां सारिया पटिशनां रद्द कर दित्तियां गईयां ने हुण बिल्कुल सारे वोटर अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकेंगे? जी बिल्कुल क्योंकि सिर्फ रद्द होने की गल नहीं है बल्कि सवेर तो यह भी सब के मन के खदशा बनया हुआ कि इलेक्शन होएगा नहीं होएगा 3 हफ्तों का समा मंगया जा रहा है। पर जिवें परमिंदर तुसीं दस रहे हो एक चीज बहुत क्लीयर है जिहड़े इस समय सानू सुन रहे हैं खास तौर पर पिंडां दे वोटर तुसी कल सवेरे 8 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक वोटां पाओगे। पॉइंट नंबर 2 जे तुहाडे पिंड दे विच पहला वोटां कैंसल हुईआं या फिर उन्होंने उत्ते स्टे लग्या सी पिछले हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक तो उन्होंने पिंडां दे विच भी वोटां पैणगियां। पॉइंट नंबर 3 हुण कैंपेन किसी ने की है नहीं की पर बावजूद इस दे इलेक्शन कमीशन ने तैयारी डेफिनेटली रखी होएगी और इलेक्शन कमीशन कल ही उन्होंने पिंडों के जोड़ा चोन अमल है उसको कंडक्ट करवाना पाएगा।
देखो गल यह है कि बहुत सारे जिहड़े उत्थे चोण अमल दे लई पहुंचदे ने अधिकारी या फिर होर मुलाजम एक ड्यूटीज लगदियां ने, एक टास्क जरूर होएगा कि अगले कुछ घंटियां दे विच उस नूं किवें क्लीयर किया जा सके। पर यह बहुत वड्डी खबर है, तुसीं राहत दे तौर दे उत्ते देख सकदे हो क्योंकि जदों 206 वाला फैसला आया सी उस समय सरकार कह रही सी कि इलैक्शन कैंसल करवाउण नूं कह रहे सी, पर साडे लई राहत है। मेरे सहयोगी विजय पाल भी साडे नाल जुड़ रहे ने। विजय, डेफिनेटली जदों आपां जिक्र करदे हां कि राहत वाला इलैक्शन होएगा बहुत क्लीयर है, तो यह भी उम्मीद की जाए कि जिथे सर्वसंमति नहीं बनी बाकी सारिया जगह पर लोग वोटा पाते नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, ये बड़ा क्लीयर करता एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह हुणे न्यूज़ 18 नाल गलबात कर रहे थे, उन्होंने भी ये सारा स्पष्ट किया कि जिहड़ियां 206 पटीशनां ते उस दिन स्टे लगी सी या उस तो नैक्सट डे भी कुछ पटीशनां ते लगी सी स्टे, वो 14 तरीक तक सी, वो जिहड़ा ऑर्डर है जी वो 14 तरीक तक सीगा। और क्योंकि 14 तरीक नूं अज दुबारा सुनवाई सी तो उन्होंने उन्हां तों स्टे हटा के उन्हां नूं भी रद्द करता, तो जिहड़ियां नवीं पटीशनां आईयां सी वो भी सारियां खारिज करतियां। दैट मीनस के हर जगह पर वोटिंग होएगी। हुण एक मसला विच रह गया, वो गिदड़बाजियां जिहड़ियां भी रद्द कीतियां सी उन्होंने, वो इलैक्शन कमीशन का फैसला सी। ये भी हो सकता है क्योंकि कोर्ट के स्टे हो रही सी तो उत्थे इलैक्शन कमीशन तक पहुँच की गई तो उन्होंने कहा कि कोर्ट जाने तो पहला असी इस रोक लीए, तो यह भी थोड़ी देर दे इलैक्शन कमीशन स्पष्ट करेगा, उन्हों का भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी कि हो सकता उन्होंने थावान पर भी हो जाए, यह भी कोई वड्डी गल नहीं है। पर ये बारे जवाब इलैक्शन कमीशन देगा क्योंकि वो एडवोकेट जनरल पंजाब नूं भी नहीं पता हाले तक, उन्होंने कहा कि वो बारे वो इलैक्शन कमीशन देखेंगे। पर गौरव हुण इस दे विच एक जिहड़ी चीज़ समझण दी है या जिसते चर्चा होण लग पई वो ये होण लग पई कि जिस दिन स्टे लगी सी उदों तां सारिआं नूं ऐ हो गया भी इत्थे तां वोटां पैणियां नहीं, जिहड़ी बाकी पिंडां दे विच कैंपेन चल रही सी वह रुक गई। हुण जिहड़ा इलैक्शन कमीशन है उहदे कोले दो ऑप्शनां ने, या तो यह हो सकता है कि जे उन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की और हुण कुछ घंटे बचे ने जदों वोटां दे विच तां इह इलैक्शन कमीशन का प्रैरोगेटिव है कि वह अपने तरीके नाल डिसीजन लै सकदे है कि असी 206 ते दो दिन ठहर के या तैयारी करके पवा लेंगे। आम तौर पर बहुत बारी ऐ हो जाता है, पर जे इलैक्शन कमीशन ने जिवें तुसीं कह रहे सी कि उन्होंने कोर्ट के फैसले तो ए लगता सी एक आइडिया हुंदा कि हो जाएगा, तो उन्होंने पहला तैयारी करके रखी हुंदी है कि जो फैसला आया बस टीमों रवाना ही करना है, उत्थे जाके उन्होंने बैठ जाना तैयारी करनी है। सो जे उन्होंने सारे पंजाब दे विच एनी अरेंजमेंट किया तो फिर 200 पिंडां दे लई भी उन्होंने तैयारी तो होनी है। सो लगता नहीं कि उन्होंने 206 पिंडां च नहीं होणगियां उन्हां, क्योंकि कोर्ट ने तो हरी झंडी देती है। हुण प्रैरोगेटिव जिहड़ा है वह इलैक्शन कमीशन का है, आप ये भी कह सकते हैं कि कितने ना कितने पैरलर तैयारी रखी जाती है या रखी गई होगी इलैक्शन कमीशन के वालों कि 200 पिंडां वास्ते। फिलहाल ये लग रहा है कि जे तुसीं सारे पंजाब दे विच 13,000 पिंडां चों जे मान लो 3,000 च सर्वसंमति होगी तो बाकी 10,000 दे विच ते इलैक्शन होने हैं, तो फिर जो उन्होंने 10,000 दे लई अमला तैयार करके रखे तो फिर वो 206 भी कवर हो जाते हैं, वो तो टीमों डाइवर्ट ही करना है। हजे तो कुछ घंटे पे है, जे अज भी कह देंगे तो सुबह उत्थे बूथ बहुत सारे रिजर्व रखे होंगे जिहड़े चोण अमल नूं नेपरे चढ़ते हैं, वो अधिकारी जिहड़े होंगे बहुत सारे रिजर्व रखे होंगे। हो सकता है ये हो सकता है कि इस नूं लैके इलैक्शन कमीशन कोई थोड़ा बहुत एक अद्धे दिन का डिले कर भी लवे, क्योंकि बहुत सारे थावां ते गौरव वेख्या होना कई बार रद्द हो जांदियां जिथे झगड़ा हो जांदा है। जे मान लो सवेरे कितने वायलेंस हो गया तो उत्थे इलैक्शन कमीशन रोक दिंदा है, उत्थे फिर अगले दिन पैंदियां या उस तो अगले दिन पैंदियां, बहुत बार ऐ हो जांदा। पर इहदे च इक बड़ी इंट्रस्टिंग चीज़ है गौरव कि जिस दिन स्टे लगी सी उदो पीक ते आ गया सी कैंपेन, बिल्कुल पूरा जिहड़ी जिहड़ा प्रचार सीगा उह पीक ते सी, बहुत लोगों ने सोचा स्टे लग गई 14 तरीक है, पहला 16 तरीक सी फिर एक दो दिन बाद वापस 14 तरीक हुई, फिर बहुत लोगों ने थोड़े ढिले पै गए या ठंडे पै गए उस तरीके नाल कैंपेन नहीं की। पर जे हुण कल नूं ही उत्थे वोटां पै जांदियां तो उन्हां नूं नुकसान जरूर हो सकता है। बिल्कुल नुकसान हो सकता है। एक होर इंट्रस्टिंग चीज़ दा जिसका जिक्र विजय भी कर रहे सी परमिंदर कि देखो जिहड़ियां 206 पंचायतों का भी असीं जिक्र कर रहे हैं उत्थे जिन्हां ने पटीशन पाई हो सकता वह ठंडे हो गए होने, पर जिन्हां दे खिलाफ पटीशन सी या जिहड़े बाकी मैदान दे विच सी हो सकता वो एक्टिव होना। आम तौर पर भी कहा जाता है कि एक ग्राउंड है उस दिन सारे भज रहे हैं। मैं तो तोड़ा रोक करांगा जो फिलहाल हुणे असीं गल कीती है पंजाब दे एजी गुरमिंदर सिंह दे नाल, एक बार फिर वो गलबात पूरी सुणाउंदे आ। राहत सरकार नूं नहीं, एक पंजाब दी पब्लिक नूं राहत है, पंजाब दे जिहड़े चाहवान सी सरपंच ते पंची दे उहनां नूं राहत है, ते इलैक्शन जिहड़े 15 तरीक नूं होने सन उहदे आसपास काफी दल मंडरा रहे सन, लेकिन हुण कोर्ट ने सारा कुछ क्लीयर करता है ते उन्होंने कहा है कि सारियां रिट पटीशनां जिहड़ियां चैलेंज कर रही सन इलैक्टोरल प्रोसैस उन्हां नूं डिसमिस किया जाता है, ते जिहड़ी स्टेयां ने बाकी पटीशनां दे विच ओह वी वकेट करके रिटां डिसमिस कीतियां जांदियां। सर मतलब पंचायती चोणां ने लैके जो भी पिछले समय दौरान चाहे पहला 200 पटीशन सी या उस तो बाद जिन्नियां पटीशनां पाईयां गईयां
कि हुण पंचायती चोण नूं लै के हाई कोर्ट दे विच कोई भी पटीशन पेंडिंग नहीं है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਪੋਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏਗੀ ਸਵੇਰੇ। ਸਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 700 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 206 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 700 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 700 ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 700 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 206 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕਿ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 700 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ? ਦੇਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ ਆ। ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਫਲਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼।
हाई कोर्ट के पाई गई 700 पटीशन रद्द कर दी गई हैं। पंचायती चोणों के लिए कल वोटिंग हो जा रही है क्योंकि इसको लेकर चोण कमिशन के वालों पूरी तैयारी की गई है। पंजाब पुलिस के वालों सुरक्षा के लिहाज के नाल पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील जिहड़े कि बूथ हिलाने गए हैं उत्थे होर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तुहानू ग्राफिक के जरिए विस्तार के नाल दस भी रहे हैं कि आखिरकार सरपंची नूं लैके पंची नूं लैके किन्ने उम्मीदवार जिहड़े कि मैदान के विच ने किन्ने जगावां ते सर्वसम्मति हुई है किन्नियां दे वल्लों नां वापस ले गए वो भी पूरा अंकड़ा असीं ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों नूं जो कि जानकारी दे रहे हैं। तो अपने आप दे विच पंजाब दे पिंडां दे नाल पंजाब दे वोटरां दे नाल जुड़ी हुई है वड्डी जानकारी वड्डी खबर कि पंचायती चोणां दा राह बिल्कुल साफ हो चुका है। हाई कोर्ट दे विच पाईआं 700 पटीशन रद्द कर दित्तियां गईआं ते कल बिना किसी रोक दे बिना किसी रुकावट दे वोटिंग होण जा रही है। पंजाब दे पिंडां दे वोटर अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकणगे। तां पंचायती चोणां दे नाल जुड़ी हुई है वड्डी जानकारी वड्डी खबर क्योंकि लगातार पंजे पंजाब दे वोटरां दीआं नज़रां टिके हुए सन हाई कोर्ट ते कि हाई कोर्ट दे वल्लों की फैसला लिया जाएगा। साढ़े नाल श्रोमणी अकाली दल के कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भुंदड़ जुड़ चुके हैं। भुंदड़ साहब तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। हाई कोर्ट का वड्डा फैसला आ चुका है पंचायती चोणों का राह बिल्कुल पद्धरा हो गया 700 पटीशन रद्द हो गई ने तुहाडा पहला रिएक्शन। देखो जो हाई कोर्ट ने करता वो तो सिर मत्थे ते मनना ही पैना है लेकिन इस कोई शक नहीं कि मैं नहीं कहता ज अकाली दल नहीं कहता कि पंजाब दियां जिन्नियां भी अपोजिशन पार्टियां वो भी कह रही आप दे भी कुछ बंदे कह रहे हैं विद इन पार्टी भी उन्होंने ढके हुए ने थां थां मुजारे एक राजो का मुजारा ही ले लो कि दोनों धिर लड़ रही है कि तरह सारी सड़क से खड़ी सी धक्के सरसमति कराई है दूजे ने कहते सरसमति होगी तो जरा तो कोई रौला ही नहीं कि पंजाब चोणा हो रही ने बहुत वड्डा गड़बड़ घोटाला होया धक्का होया और धक्का वोट कट्टण तो लैके वोट बनाउण तो लैके अगे फिर हर चीज तो रिजर्वेशन तो लैके हर चीज तक धक्का ही हुंदा आया सो फिर कागज पाड़ने कागज दखल ना होण देणे सो असी जतन किया आखिरी दम तक उस जतन च असी कुछ सफलता भी प्राप्त कीतिया लेकिन ये जिहड़ियां 600-700 कट्ठियां कैंसल हो गई ये देखो हुण तां घंटे रह गए चंद जो हैगा सुप्रीम कोर्ट का टाइम जरा है वह भी मैं लग रहा है पीस पटीशन बनाई पानी अगे जा करना वकीलों को समझा कोई छोटी जी गल नहीं होंगी तो हूँ तो सिर मत्थे मन के सौ चुनाव लड़ने पैने तकड़े होकर चुनाव लड़ांगे लेकिन यह धक्का है इन्हों धक्के जोड़े होंगे रहे इन्हों टेंपरेरी पता कदे भी वोटर जरा अज नहीं ये अगली वोट गुस्सा कट लें जिहड़े मुलजमा बरी हो जाते हैं कोर्ट तो उस चीज नूं दिख रहा डाकूमेंट नूं सो उस वे उनके सामने की डाकूमेंट रखे गए किस डाकूमेंट नूं ते उहदे की उन्होंने अगे अपना फैसला किया एक लीगल पॉइंट है जी। लेकिन जो इहदा एक पंजाब दी जानी एक नहीं कि घर घर दी नहीं बंदे बंदे की आवाज है इन्ना पंजाबी हर बंदे की आवाज है कि बड़ा धक्का होया बड़ा धक्का होया जे जे मैं कहा तो एक मेरी मेरे वास्ते मतलब शोभ दी है जी ना मैं यही टिप्पणी कदे करदा जिहड़ी के जिहड़ी के कानून जां असूल जां कोई परंपरा दे उल्ट होवे इस करके जो हाई कोर्ट ने करता उहदा मनना पैणा है लेकिन होया तां कैच कोई शक नहीं। पुंदर साहब श्रोमणी अकाली दल दा अगला कदम की होवेगा हुण अगला कदम है चोण तकड़े होके लड़ांगे इह तां डेमोक्रेसी है लड़दे रहे जित्तां ते हारां दो हिस्से ने कोई नहीं कदे घबराउणा नहीं चाहीदा ये तो वे वे जंगा लगते हैं जंगा च भी जिता हारा होंगे ना सो इस करके साड़ी तो जंग जारी रहनी अकाली दल की पंजाब के पंजाबियों वास्ते इंसाफ वास्ते दुनिया में शांति तरक्की वास्ते जिसे जे भलेमानस लोग अगे आने तो पंजाब तो अमन शांति होएगी
ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 16 ਤਰੀਕ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 206 ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ 16 ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 16 ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿ 15 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹ 600 ਤੇ 700 ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਕਰੀਬ 1000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਅਸਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਕਰੀਬ 1000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਪੰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਅ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਕਰੀਬ 1000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 206 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
तो इसे खबर से होर जरा जानकारी सीधा रुक करांगे मेरे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, अपने आप दे विच बहुत वड्डी खबर पंचायती चोणां दे नाल जुड़ी हुई है क्योंकि सारे पिंडां दीआं सारे वोटरां उम्मीदवारां दीआं नज़रां हाई कोर्ट ते टिकीआं होईआं सन। राह पद्धरा हो गया बिल्कुल तय समय दे मुताबिक पंजाब दे विच पंचायती चोणां नूं लैके वोटिंग होण जा रही है। विस्तार दे नाल पूरी खबर दा अपडेट पूरी जानकारी समझनी चाहांगे। देखो बिल्कुल परमिंदर जी का तुसी भी जिक्र किया कि सारियां नूं वेट सीगा इंतजार सी क्योंकि कल पंचायती चोन होने वाले हैं। लगातार जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर नूं वेखदे हुए कई चीजा की तैयारियां भी हो चुकी है लेकिन अज नजरां टिकी हुई सी सवेर तो ही सुनवाई जारी सी। साडे नाल सीनियर एडवोकेट भी जुड़नगे उन्हां नाल भी असीं गलबात करांगे। फेरी सोपर साडे नाल जुड़न ने सोफी साहब क्योंकि बहुत चीजा ने इहदे जे टैक्नीकली थोड़ा समझना चाहवांगे क्योंकि जिहड़ी पहला भी जिहड़ी याचिका आई सी होर भी अज जिहड़ी सुनवाई हुई है किस तरह की चीजा गलबात हुई है किस तरह की सुनवाई जिहड़ी हैगी याचिका नूं लैके कीती गई। देखो सब तो पहले जी पहला पटीशन आईया सीगा रिजर्वेशन का इशू कि जी रिजर्वेशन कितिया गई ने कि प्रॉपर तरीके नहीं कित गई नोटिफाई नहीं कित गई जी पटीशन सीगिया कोर्ट ने सारी की सारी उस टाइम डिसमिस कर दतिया सी। उस तो बाद सैकंड राउंड ऑफ जो लिटीगेशन नॉमीनेशन लैके या ए अलग अलग पहलू सके एक कि नॉमीनेशन फाइल ही नहीं करन दिते गए okay. दूसरा सीगा कि नॉमीनेशन फाइल किए गए बट बेसलैस रीजन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो रिजेक्ट कर दिते गए। इस तो बाद थर्ड एक सीगा इशू जरा इतने से कि नॉमीनेशन एक्सैप्ट हो गए बट सिंबल अलॉट नहीं किए गए। चौथी तरह की पटीशन कि वीडियोग्राफी की मांग की गई सी या पुलिस प्रोटेक्शन या वीडियोग्राफी की मांग की गई सी ठीक है ते इहदे विच कोर्ट वालों जिहड़ी दा पहले दो सीगे कि नॉमीनेशन रिजेक्शन या नॉमीनेशन फाइल नहीं किया गया ए जिहड़ी जिन्नी पटीशन सीगियां वह सारी की सारी पटीशन डिसमिस कर दित्तियां गईयां ने मेंटेनेबिलिटी दे ग्राउंड दे उत्ते कि जिहड़ी ये पटीशन ने मेंटेनेबल नहीं हैगियां इत्थे जे किसी नूं कोई भी इशू है तां ओह इलेक्शन पटीशन फाइल कर सकदे ने। थोड़ा जिहा इहनूं ब्रीफ च समझना चाहवांगे कि जिहड़ी भी टैक्नीकल आधार ते जिहड़ी ग्राउंड ते ही नहीं है किन किन चीजा जी है जो आर्टिकल 243 ओ है कॉन्स्टिट्यूशन का ओर क्लीयरली लिखा हुआ है कि जेड़े भी इलेक्शन रिलेटेड जदों एक बार इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो कोई भी कोर्ट जी है इंटरफेयर नहीं कर सकती ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੇਟ ਆਫ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਆਫ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਆਫ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਇਫ ਨੈਸੇਸਰੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀ 15 ਤਰੀਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬਾਊਟ 227 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 4-5 ਰਿਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਅਬਾਊਟ 600-700 ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਐਡਜਨ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਫਿਕਸ ਟੂਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬਾਊਟ 900,000 ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਅੱਜ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਹੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 4 ਉਹਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 227+4-5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਰਾਥਨ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਓਰਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 2013 ਆਨਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 9 ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ।
कोई भी इलेक्शन का मुद्दा जिदे विच स्पेसिफिकली रिजेक्शन दे एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन पेपर सेक्शन 89 स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्ट दे विच दर्ज है ओदे लई तुहानू इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन खत्म होने तो बाद फाइल करन दी ही ऑप्शन है। सिद्धी रिट पिटीशन जिहड़ी हाईकोर्ट च लोग फाइल कर देंदे हन अंडर लीगल एडवाइस वह सुप्रीम कोर्ट ने दो या तीन जजमेंट्स दे विच यह नकारिया है कि भी सिद्धी पिटीशन हाईकोर्ट च नहीं फाइल की जा असी उन्हां दा रेफरेंस दिता ते असी कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बार है उहदे विच इस करके इन्हां पिटीशनां नूं एंटरटेन करना इलीगल है मैनेटेबिलिटी कोई जिहड़ी कहिंदे एग्जैक्टली जिहनूं असी कहिंदे आ कि भी पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं ते इस करके मेरिट्स दे उत्ते जाण दा ते सवाल ही नहीं होता। लास्ट सवाल हुण बिल्कुल रस्ता साफ है कल वोटां दी हां कल क्योंकि 7 बजे पोलिंग शुरू है ते अबाउट 13,222 पंचायतां ने पंजाब दे विच उहनां दे विच जिहड़ा भी प्रोसैस हुण तक होया है उहदे हिसाब नाल जिहड़े भी कैंडीडेट्स इन फ्रे हन उहनां दी इलैक्शन कल सवेरे 7 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह दसिया कि सरकार वालों आर्गूमेंट सेगा मेंटेनेबिलिटी के भी सवाल जो खड़े किए गए रेफरेंस दिता गया सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स का और कॉन्स्टिट्यूशन का और कितने ना कि एक वड्डी राहत है पंजाब सरकार को पंचायत चोणां पंजाब का रस्ता साफ। उमेश शर्मा News 18 चंडीगढ़। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ News 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ 15-15 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 1,000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੂਥ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਤੇ LOP ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਡਏ, ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮਦੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1,000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ,
इसे हाई कोर्ट विच कुछ दिन पहला एक बेंच ने पंचायती चुनाव के 200-250 के करीब रोक लाई सी और अज इसी बेंच ने हाई कोर्ट की एक होर बेंच ने सारी पटिशन खारिज करते हुए पंचायती चुनाव का रस्ता साफ करता। हालांकि उस टाइम भी यह भी साफ सीगा कि पूरे इलेक्शन से रोक नहीं सी, सिर्फ कुछ पंचायतों के रोक सी, लेकिन उस तो बाद जो पटिशन की बाढ़ आई तुम सोचो कि 1000 तो ज्यादा पटिशन और पूरी मैराथन सुनवाई चली है। सवेरे जो आप गल करिए 10:15 तो लैके 4 बजे तक मैराथन सुनवाई चली है। हर पटिशनर की आप गल करिए अपनी अपनी मंग सी, अपने अपनी ग्राउंड सके, किसी नु सिंबल मिलिया, किसी रिजेक्शन है, किसी की कोई एलिजिबल नहीं है, किसी का नॉमीनेशन पेपर फाड़े गए, यानी कि सब की अपनी अपनी ग्रीवेंसी सी, लेकिन एंड ऑफ द डे पंजाब सरकार नु एक वड्डी राहत मिली है ऐसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो। हुण आर्गूमेंट की होए ने, आर्गूमेंट लेंथी आर्गूमेंट होए ने, जे पटिशनर की गल करिए यानी कि जेडे वकील सीगे जेडे लोकी आए सीगे उन्होंने वकीलों के अपने अपने आर्गूमेंट सीगे, अपने अपने तर्क सीगे। सरकार का तर्क जिदा अपनी कुछ मिनट पहले ही पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह नाल खास सब तो पहले गलबात की गई, उन्होंने कहा कि असी सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट रेफरेंस रखिया ने, आर्टिकल कॉन्स्टीट्यूशन का हवाला दिता गया कि जदों पंचायती चोणा होण या एमसी दी चोणा होण और जदों चोणा का ऐलान हो जाता है उस तो बाद कई लोग रिट पाते हैं तो वह मेंटेनेबिलिटी से सवाल चुकते हैं। यदा मतलब हुंदा है कि क्या यह रिट सुनी जा सकती है कोर्ट विच, नहीं ये आर्गूमेंट रखे गए ने। और इस आधार नूं लैके भी जे वड्डा आधार यही मनिया जाया गया कि डिवीजन बेंच ने जस्टिस सर्वेश्वर ठाकुर की डिवीजन बेंच ने सारी जिहड़ी है पटिशन डिसमिस कीतियां ने। हुण इह तां इक पहलू हो गया, उहदा दूजा पहलू सीगा कि जदों इसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की खोड़ डिवीजन बेंच ने 227 दे 250 दे करीब जिहड़ी पंचायत ते रोक लाई सीगी उस टाइम उन्हां दे ग्राउंड्स देखदे हुए कोर्ट ने वो पर्टिकुलर उस पंचायत से सी, लेकिन पूरा इलेक्शन प्रोसैस से रोक ता भी नहीं सी और उन्होंने ग्राउंड डिफरेंस सी। उस ऑर्डर विच साफ किया गया कि जिस जी पटिशनर ने इतने पहुंचे ने किसी का नॉमीनेशन पेपर फट गया कि फाड़िया गया या धक्का होया, तमाम जी एलीगेशन से उस देखते हुए पर्टिकुलर इन्नी पटिशनर जे कोर्ट में पहुंचे ने असं रोक ला रहे हैं और आर्टिकल 226 यानी कि जुडिशियल रिव्यू का भी हवाला उस ऑर्डर विच दिता गया सीगा, यानी कि हाई कोर्ट ने अपनी पावर यूज की है। 226 कहते हैं जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 226, लेकिन अज दे ऑर्डर की वेट करनी होगी। अज दे ऑर्डर हाले डिटेल ऑर्डर आएगा, उस कोर्ट ने की ऑब्जर्व किया, दोनों के पक्षों के आर्गूमेंट सुन के अपना की व्यू रखा, वह कोर्ट के डिटेल ऑर्डर तो बाद ही पता चलेगा। लेकिन आर्गूमेंट की आप गल करिए दोनों धिर सुनने तो बाद जो कोर्ट फैसला करते कि ऑल पटिशन डिसमिस, और ये यह भी दसदा जिहड़ा वह ऑर्डर है वह भी अज पंजाब सरकार नूं राहत ही कहांगे, वड्डी राहत मिली है कि जिहड़ा 200-250 के करीब पंचायतों का जिहड़ा ऑर्डर सीगा, क्योंकि ओदी सुनवाई 16 अक्टूबर सी और पंजाब सरकार ने ओदी एप्लीकेशन पाई सी कि इनू भी अज ही सुनिया जाए, तां उस एप्लीकेशन नू प्रीपोन करके अज कोर्ट ने ओ प्रीपोन कीती, यानी कि अज सुनवाई कीती और सुनवाई करदे होए सारियां डिसमिस करती हैं। पंजाब सरकार नू राहत है, कल चोण होणगे जी। ओवर टू परमिंदर। उमेश, जिवें कि तुसीं थोड़ा देर पहलां गलबात भी कीती पंजाब दे जी गुरमिंदर सिंह दे नाल, उन्हां ने एक लफ्ज वरत्या जिहड़ा कि मेंटेनेबल नहीं सी जिहड़ियां पटीशन, यह भी जरूर जानकारी दो कि ज़्यादातर जे 1000 पटिशनों की गल की जाए तो ज़्यादातर पटिशनों के विच की आधार की सी, बेस की सी? देखो जे गल करिए कि ज़्यादातर पटिशनों के आधार की गल करिए, कुछ मेरे ख्याल इतने पंचायत के भी लोग आए हुए ने रिजैक्ट हो खड़े ने, पर आधार की सी वैसे पूछ लेंगे थोड़ा की पटिशन का की आधार सी? अमृतसर जिला जो आए हैं। अच्छा, उदा सिंहपुर के वोटा लड़ी है। अच्छा, साढ़े को दसिया ने आधार की आडे सत्ते मैंबर रद्द करता, सरपंच भी रद्द करता। अच्छा, दोनों के फार्म रद्द करती इस लैके हाईकोर्ट आए? हाँ जी हाँ जी, पटिशन पाना है कि वक् वक् सब आर्गूमेंट जी तुम गल की आधार से किसी के नॉमीनेशन पेपर लै ले, लेकिन उनका लिस्ट विच नाम नहीं है, कई रिजैक्शन करके कारण नहीं दसिया, तो वक् वक् ग्राउंडा के उत्ते सुन के ही हाईकोर्ट ने फैसला दिता। लेकिन हाईकोर्ट को लग्या कि इलेक्शन प्रोसैस नहीं रोकना चाहिए, वड्डे पद्धर से 13,000 तो ज्यादा पंजाब पंचायत ने जी 1000 पटिशन है परमिंदर के ग्राउंड किसी सब के ग्राउंड डिफरेंट सके, मान लो 30-40 ग्राउंड एक, मान लो जो मैं उदाहरण दवा कि 30-40 पटिशन है वो ग्राउंड है कि जी जिदा इन्होंने दसिया कि नॉमीनेशन पेपर नहीं सानू दसिया क्यों रिजैक्ट किए गए, कई सगा कि साड़ी वोट उधर है वह भी डिसमिस हुई ने, पहले डिसमिस करते सी, आज भी कुछ पटिशन। कुल मिला के जे आप गल करिए वक् वक् ग्राउंड नू लैके भी पटिशन पाई गई सी, 1000 के करीब पटिशन हुई ने। और एक और मैं गल अज करदा, अज भी मैंशनिंग हुई है, अज भी मैंशनिंग हुई है सवेरे, ओदी कल सुनवाई रखी है, लेकिन जेड़ा अज दा ऑर्डर है ओही उसते लागू होएगा। ये भी मैं इस एड करना चाहना, दर्शकों को दसना भी चाहना, अज भी लेटेस्ट जी पटिशन है वह सुनवाई लिए आई सी और कल ही रखी गई, लेकिन जो अज ऑर्डर होया उन्होंने लागू होगा, यानी कि उन्होंने फ्रैक्चर उन्होंने कहें कि वह कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन पटिशन सोचो कि अज भी दाखिल हुई ने इलेक्शन तो एक दिन पहला, अज लास्ट दिन। कुल मिला के एक सबब यह है मोटा मोटा कि पंजाब च पंचायती
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ठीक है उमेश फिलहाल की पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो पंचायती चोणों के जुड़ी हुई वड्डी खबर न्यूज़ 18 पंजाब लगातार अपने दर्शकों के साथ साझी कर रहा है। पंचायती चोणों का राह बिल्कुल पदरा हो गया, 1000 पटीशन रद्द कर दित्तियां गईयां ने, यानी कि कल नूं पंजाब दे पिंडां दे वोटर पोलिंग बूथ ते जाके अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकणगे। कल नूं वोटिंग होण जा रही है ते कल नूं नतीजों का ऐलान कर दिता जाएगा।